खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। इंदौर के पास महू में धार जिले के बेतमपुर क्षेत्र के बगदून में स्थित शराब दुकान खुलने के बाद इंदौर जिला रेड जोन होने के बावजूद लोग अपने अपने घरों से निकलकर शराब खरीदने निकले, जिसकी सूचना किशनगंज पुलिस को मिली थी। सूचना पर किशनगंज पुलिस ने चौपाटी पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर इन सम्राट परिवारों के लोगों को पकड़ा, जिसमें पुलिस द्वारा 22 लोगों से 40,000 की शराब जब्त कर 9 चार पहिया वाहन एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त कर कार्रवाई की गई। किशनगंज पुलिस को सूचना मिल रही थी कि धार जिले के पीतमपुर स्थित बगदून में शराब दुकान खुलने के बाद बड़ी संख्या में इंदौर एवं महू की तरफ से शराब का परिवहन कर रहे हैं। किशनगंज थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने चौपाटी पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर पीतमपुर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की, जिसमें पुलिस ने 22 लोगों को पकड़ा जो कि पीतमपुर से शराब लेकर आ रहे थे, जिसमें श्यामलाल पिता रामचरण पाटीदार निवासी राव, अखिलेश पिता अमेंद्र देशमुख निवासी राव, नितेश पिता शंकरलाल कुकरेजा निवासी अन्नपूर्णा नगर, गौरव पिता सतपाल निवासी राव, मदन पिता मांगीलाल चौपाल, राजेश पिता बलराम यादव निवासी सिंगापुर टाउनशिप इंदौर, यशपाल हुकुम सिंह राणा आदि को पकड़ा गया। इन पर आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर वाहन जब्त कर प्रभावी कार्रवाई किशनगंज पुलिस द्वारा की गई। ये कल हमें सुबह से खबर मिल रही थी कि हमारे थाना क्षेत्र के पड़ोस में जो धार जिले का बॉर्डर है, वहाँ पर चूँकि शराब दुकानें खुल गई हैं, उनको छूट मिल गई खुलने की, तो इंदौर जिले से और इंदौर शहर से बहुत से लोग शराब खरीदने के लिए लॉकडाउन तोड़ करके चोरी छिपे रास्तों से निकल रहे हैं। तो सूचना पर हमने वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चेकिंग पॉइंट लगाया था, जिसमें शुरुआती 1-2 घंटे की चेकिंग में हमें करीब 9 चार पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन पकड़ाए थे, जिनमें जो लोग थे वो शराब कोई 2 पेटी, कोई 1 पेटी, कोई 40 क्वार्टर, ऐसे मात्रा में बड़ी मात्रा में शराब खरीद के दुकानों से और लॉकडाउन उल्लंघन करते हुए वापस इंदौर या महू की ओर जा रहे थे, जिनके खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट और धारा 188 आईपीसी की प्रकरणों की कायमी की गई है और शराब व वाहनों की जब्ती की गई है। देखिए, जो केसेस आए हैं वो ग्रेजुअली आए हैं और जो सिम्टोमेटिक केस थे उनको हमने टैग कर लिया है और उनकी सैम्पलिंग भी हुई है। इसके अलावा हमने फिर से सर्वे करने का एक आदेश किया है, जिसके तहत पूरे मोहल्लों में जा करके और गांव-गांव में जा करके सर्वे टीम सर्वे कर रही है और यदि किसी को कोई लक्षण पाया जाता है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और यदि आवश्यक होगा तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। संख्या ज़्यादा होना बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि जो कंटेनमेंट जोन है या फिर ये जो बीमारी फैली है उसको किस तरीके से जल्दी कंटेन किया जाए और इस दिशा में पूरी टीम हेल्थ विभाग के साथ कार्य कर रही है। सर, देखा जा रहा है कि इंदौर को रेड जोन माना गया है और महू और किशनगंज थाना जो क्षेत्र आता है उससे क्षेत्र में बहुत सारी दारू की सप्लाई वगैरह भी हो रही है। सर, ऐसी कोई सूचना नहीं है, बट हाँ, चूँकि बगल के जिले में अनुमति हो गई है तो कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसा प्रयास कर रहे हैं और अभी हाल ही में इस संबंध में कार्रवाई भी है और कुछ जब्तियां भी हुई हैं। तो यदि कोई अवैध रूप से दारू का संग्रहण या फिर उसके क्रय विक्रय की कार्रवाई करेगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।